हेलो फ्रेंड्स, आई एम एंजल जॉर्ज एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंजल जॉर्ज जी रेडी फोर में। मोस्टली आजकल देखा गया है कि सबके ही बाल झड़ रहे हैं, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, दोनों के बाल जो है वो रेगुलर बेसिस पे झड़ रहे हैं। मौसम की वजह से और हमारे खान पान की वजह से, हमारे लाइफ स्टाइल की वजह से, इन सब चीज़ों के कारण जो है बाल जो है वो बहुत ही अधिक मात्रा में झड़ रहे हैं। यहाँ तक कि बहुत सारे लोग जो है वो गंजेपन का भी शिकार हो रहे हैं। बाल जो है वो रफ़ हो रहे हैं, उनमें जो है जान नहीं रह रही है, वो दो मुँहें हो रहे हैं और इंची स्कैल्प हो रहा है। इन सब समस्याओं का जूझना पड़ रहा है। तो उसका एक ही, अगर आप हर तरह के केमिकल वाले शैम्पू और केमिकल वाली ट्रीटमेंट और भी बहुत सारी चीज़ें लेके थक चुके हैं, तो एक आपके लिए सोल्यूशन है कि अदरक। अदरक जो है वो उसमें बहुत सारे ऐसे मिनरल्स होते हैं, ऐसे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, ऐसे उसमें एक एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है, जिसके कारण कि हम जो हम अपने बालों की हर समस्या से बच सकते हैं। तो मेरी एक फ्रेंड है, उसने मेरे बालों को ऐसे पकड़ के ऐसे खींच के देखा तो एक भी बाल नहीं आया, अभी भी मैंने आपके सामने किया है। तो उसने मुझसे पूछा कि क्या ये बालों पे आप क्या करते हो जिसके कारण कि आपके बाल जो हैं वो हेल्दी हैं और ना ही रफ़ हैं और इतने घने भी हैं, तो उसके लिए आप क्या करते हो। तो मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो ही बना लूँ। तो अदरक जो है इन सब चीज़ों का सोल्यूशन है। उसके लिए मैं आपको बताऊँगी कि अदरक में क्या क्या प्रॉपर्टी पाई जाती हैं, वो क्या है। तो उसके लिए प्लीज़ पूरी वीडियो में बने रहें। आयुर्वेदा में जो है अदरक है वो बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है। इसमें बहुत सारे विटामिन, मिनरल, एंटीऑक्सीडेंट और एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं, जो कि हमारे बालों को सेहतमंद बनाता है। हेयर फॉल के लिए ये बहुत ही अच्छा है। अगर आपके बाल बहुत अधिक मात्रा में इस मौसम में झड़ रहे हैं, तो हेयर फॉल के लिए आप अदरक लेके, अदरक का पीस लेके उसको कद्दूकस करके या फिर मिक्सर ग्राइंडर में करके उसका जो जूस है उसको निकाल के उसमें ऑयल डाल के, कोई भी ऑयल जो आप यूज़ करते हैं, कोकोनट ऑयल, बादाम का ऑयल या सरसों का तेल, जो भी आप यूज़ करते हैं उसको। और अगर आपने मतलब कि और अच्छा रिजल्ट लेना है, तो इसमें जो है अरंडी का तेल, कैस्टर ऑयल जिसे बोलते हैं, अरंडी का तेल, वो बहुत थिक होता है, तो इसलिए उसमें थोड़ा सा कोकोनट ऑयल या बादाम का ऑयल मिला के, इन दोनों ऑयल्स को मिला के, तो आप उसमें अदरक का जूस मिला के अगर आप अपने जो रूट्स हैं उसमें ऐसे मसाज करेंगे, तो उसे एक घंटे के लिए या दो घंटे के लिए रखें, या फिर अगर आप रख सकते हैं तो पूरी रात जो है रात को लगा के स्कैल्प के ऊपर अच्छी तरह से मसाज करके, और ये जो है इन बालों पे लगा के कोई कपड़ा बांध लें या फिर कैप आती है वो कैप लगा के रात को सो जाएं, सुबह किसी शैम्पू से धोएं, और इसे वो करने की ज़रूरत नहीं है, कंडीशनर करने की ज़रूरत नहीं है, कि इसमें एक अपना ही कंडीशनर होता है जिसके कारण आप जो बालों की समस्या से बच सकते हैं। नेक्स्ट है कि ये डैंड्रफ को प्रिवेंट करता है। इसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है, जिसके कारण कि ये अगर हमारे स्कैल्प में, स्कैल्प क्या होता है, ड्राइनेस के कारण एक छोटे फ्लेक से हो जाते हैं, और फ्लेक जो बाद में जो है वो डैंड्रफ का शिकार हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों के कारण, डैंड्रफ के कारण क्या होता है, हमारे फेस के ऊपर भी बहुत सारे दाने या फिर पिंपल्स या और भी बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। तो इसलिए हमें डैंड्रफ को अगर करना है, तो यही तरीका है कि किसी भी ऑयल में लेके उसका रस निकाल के, और अगर आप अच्छी तरह से मसाज करके लगाते हैं, एटलीस्ट डेढ़ दो घंटे लगाना है। अगर डेढ़ दो घंटे लगाते हैं तो इससे आपके बाल जो है मॉइस्चर भी आएगा और इंचीनेस भी ख़त्म हो जाएगी और बाल आपके सिल्की भी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि ये जो है अगर हम अदरक के रस को अपने बालों में लगाते हैं, अपने बालों की जड़ों में लगाते हैं, तो ये ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है। अगर हमारा सर में, इसमें जिंजरॉल नाम का एक तत्व होता है जो कि ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। उससे क्या होता है कि हमारा अगर ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, तो हमारे जो है बालों को अच्छी तरह से सारी जगह जो ब्लड सप्लाई है वो पहुंचेगी, और हमारे बालों की ग्रोथ जो है वो अच्छी होगी, और हमारे बाल जो है झड़ेंगे नहीं, टूटेंगे नहीं, और उनकी जो है लाइफ ज़्यादा होगी और वो हेल्दी रहेंगे। और उसके लिए भी यही है, सेम एक ही फार्मूला है कि हम उसे जो अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं। ये क्या करता है, ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन करता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, इसमें बहुत सारे पौष्टिक तत्व होते हैं, इसमें एंटीऑक्सीडेंट होता है, इसमें एंटीबैक्टीरियल होता है, जो कि हमारी बालों के झड़ने की समस्या को दूर करता है। इसमें मैग्नीशियम, फास्फोरस और वाइटामिन होते हैं, इसमें बहुत मैग्नीशियम, फास्फोरस और वाइटामिन होते हैं, जो कि हमारे बालों के लिए, हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। नेक्स्ट है ड्राइनेस। ये जो है ड्राइनेस, इसमें एक नेचुरल जो है वो मॉइस्चराइज़र होता है,
इसमें कंडीशनर जो कि एक कंडीशनर का काम करता है जो हमारे बालों को रेशमी और मुलायम बनाता है, तो इसलिए इसे इसे ये हमारी ड्राइनेस को भी दूर करने में मदद करता है। नेक्स्ट है बालों को जो है पोषण देता है। पोषण मतलब कि रूखापन तो दूर करता है। इसमें इसमें बहुत ही अधिक मात्रा में ऐसे मिनरल्स और विटामिन्स होते हैं जो कि फैटी एसिड होता है, इसमें फैटी एसिड होता है जो कि लाइनोलिक एसिड होता है। लाइनोलिक एसिड जो होता है वो हमारे बालों को एक तरह से पोषण देता है और जो हमारे बालों को स्वस्थ और मजबूत बनाता है। लाइनोलिक एसिड जो होता है उससे हमारे बालों की जो जो है रूखापन और ग्रोथ होती है वो उसके कारण होती है। तो इसलिए अगर हम बालों में अदरक का जो पेस्ट नहीं लगाना, अदरक का रस निकाल के उसे किसी भी ऑयल में मिक्स करके हम लगाते हैं तो उससे हमारे बालों की जो ग्रोथ होती है वो अच्छी होती है और हमारे बालों की जितनी भी समस्याएं, बालों का टूटना, बालों की ड्राइनेस, इची स्कैल्प, सर्कुलेशन का अच्छा नहीं होता, बालों की ग्रोथ नहीं होती, इन सब चीज़ों के लिए हम अदरक को अगर यूज़ करते हैं। और हाँ, एक और टिप देते हूँ कि अदरक के साथ अगर आप प्याज में सल्फर होता है और भी उसमें भी बहुत सारे मिनरल होते हैं, तो प्याज और अदरक को अगर कॉम्बो करके दोनों का रस मिला के, प्याज आजकल बहुत महंगा है, मे भी प्याज आप ना यूज़ करो, तो अदरक ही अकेला अगर यूज़ करोगे ऑयल के साथ तो ये सारी समस्याओं से बच सकते हो। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलते हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड।